हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे दोस्त बेल का घंटा दबा दें एवं ऑल पे क्लिक कर दें कि ताकि जब भी हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, मैसेज मिले और आप एक क्लिक से वीडियो को देखना शुरू कर दें मेरे दोस्त। और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अब पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में मेरे दोस्त भौतिक विज्ञान से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीखेंगे मेरे दोस्त एक लाइन में, जिसे अंग्रेजी में वन लाइनर कहते हैं, आप जानते हैं। यह वीडियो का मेरे दोस्त पार्ट 4 है, इसके पहले हम 1, 2, 3 दे चुके हैं। यही पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स चैनल पे आप यूट्यूब सर्च बार में जाके लिख दीजिए या माइक पे बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहाँ विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स GKGS का लाभ लेकर के आप आगामी परीक्षाओं को मजबूत करें मेरे दोस्त। तो चलिए बिना देर की हुए अब पढ़ते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न है मेरे दोस्त, कैंची पिलास साइकिल का ब्रेक हैंड पंप कील उखाड़ने की मशीन किस श्रेणी का उदाहरण है। मेरे दोस्त किस श्रेणी का उदाहरण है, यह देखिए हरे कलर के रंग में रंगा हुआ है, यही आंसर है आपका, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है। ठीक है, नंबर 2 का प्रश्न चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। सरावता नींबू निचोड़ने का यंत्र किस श्रेणी का उदाहरण है मेरे दोस्त, यह है द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, चिमटा हल हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है मेरे दोस्त, यह है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है मेरे दोस्त, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है, कौन है, कौन है मेरे दोस्त, यह है सोवियत संघ रूस, रूस के द्वारा कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। चलिए नंबर 5 का प्रश्न है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है मेरे दोस्त, यह है 11.2 किलोमीटर सेकंड प्रति सेकंड। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, नंबर 6 में प्रश्न है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका ऊपर रहने वाला भाग कितना दिखता है मेरे दोस्त, यह 1/10 भाग दिखता है। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, एक आदर्श तरल की संयांता क्या होती है, क्या होती है मेरे दोस्त, शून्य होती है, एक आदर्श तरल की संयांता शून्य होती है। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है मेरे दोस्त, यह माध्यम के अपवर्तनांक पर प्रकाश की चाल निर्भर करता है। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, गाड़ी के हेडलाइट में तथा आंख कान एवं नाक के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, यह मेरे दोस्त करते हैं अवतल दर्पण का। चलिए नंबर 10 का प्रश्न देखते हैं, उत्तल लेंस क्षमता तथा अवतल लेंस की क्षमता किस प्रकार होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब को किसे मापा जाता है, बैरोग्राफ यानी बैरोमीटर से। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, हेली पुछल तारे का परिभ्रमण कक्षा कैसा होता है, हेली पुछल तारे का परिभ्रमण कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है मेरे दोस्त। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, यह 5.5 घंटा आगे है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नंबर 14 का प्रश्न देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसे कहते हैं संसंजक बल, यानी संसंजक बल। ठीक है, संसंजक बल बोलिए इसको इस तरह से। नंबर 15 का प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस काल में चलती है, किस काल में चलती है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से, चलती है मेरे दोस्त शीतकाल में।
चलिए नंबर 16 का प्रश्न है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव हो जाता है? क्या हो जाता है मेरे दोस्त? यह बढ़ जाता है। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, लेंज का नियम किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? इस तरह से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के है ना, उस पर आधारित है लेंज का नियम। चलिए नंबर 18 का प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, नंबर 18 का प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित कहां से किया गया था? प्रथम उपग्रह मेरे दोस्त, प्रथम उपग्रह रूस के कोस्मोड्रोम से किया गया था, भारत का प्रथम उपग्रह प्रक्षेपित, ठीक है। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, क्रिस्टल का कोण किससे मापा जाता है? यह मापा जाता है मेरे दोस्त गेनियोमीटर से। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? यह होता है मेरे दोस्त 2.2, ठीक है। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है मेरे दोस्त? चांदी है। क्या है? चांदी। नंबर 22 का प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है मेरे दोस्त? यह कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस बल पर कार्य करती है? यह करती है मेरे दोस्त अपकेंद्रीय बल पर कार्य, ठीक है। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? वह है अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम था अप्सरा। चलिए नंबर 25 एंड लास्ट का प्रश्न है मेरे भाई मेरे दोस्त, दाढ़ी बनाने में प्रयोग किस दर्पण का होता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है मेरे दोस्त, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। और मैं जाते जाते आपको बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त, यही पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का जो वाटर मार्क हर पेज पे आपको दिख रहा था, यही मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब सर्च बार में लिख दीजिए या माइक पे बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां भीट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जीकेजीएस का लाभ लेकर के आगामी परीक्षाओं को आप मजबूत करें मेरे दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।